हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं रकीबुन आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा दो का हिंदी का पाठ दो, अपना भरोसा। एक खरगोश था जिसके चार मित्र थे, घोड़ा, गाय, बकरी और हिरन। एक दिन कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया। वह डरकर इन मित्रों के पास अपनी रक्षा के लिए पहुंचा। घोड़ा बोला, मैं कुत्तों से तुम्हें कैसे बचाऊं? मेरे तो सींग ही नहीं है। खरगोश दुखी होकर गाय के पास गया। सारी बातें सुनकर गाय बोली, अभी थोड़ी देर में मालिक दूध दुहने आएंगे, उनसे कहकर देखूंगी। खरगोश समझ गया कि गाय उसे टाल रही है। वह बकरी के पास गया। उसकी बात सुनकर बकरी बोली, मैं स्वयं कुत्तों से डरती हूँ। अब खरगोश हिरन के पास पहुँचा। हिरन ने कहा, मुझे शिकारी कुत्तों से स्वयं ही डर लगता है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मित्रों की बात से खरगोश की आंखें खुल गई। उसने सोचा कि मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। बस उसने ऐसी दौड़ लगाई कि कुत्ते उसे पकड़ नहीं पाए। सच है, संसार में अपना भरोसा करने वाले ही संकटों का सामना कर पाते हैं। देखिए बच्चों, हमने इस कहानी में पढ़ा कि वो ही मुसीबतों का सामना कर पाते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए। अब हम इसके शब्द बोध देखते हैं। मित्र, दोस्त, आंखें खुलना, सावधान हो जाना, संकट, मुसीबत, रक्षा, बचाव। आइए अब हम शब्दों से वाक्य बनाते हैं। संकट, एक बार खरगोश संकट में पड़ गया। मित्र, खरगोश के चार मित्र थे। डरपोक, हमें डरपोक बनकर नहीं रहना चाहिए। अब हम इसके मुहावरे देखते हैं। इन मुहावरों का सही अर्थ इसके सामने ही दिए हुए हैं। आंखें खुलना, सावधान हो जाना। हम कभी कभी कहते हैं ना, मेरी तो आंखें ही खुल गई, मतलब वो इंसान सावधान हो गया। आंखें आना, आंख दुखना, आंख लगना, नींद आ जाना। बच्चों आपने सुना होगा ना, कई बार कहते हैं कि आंखें लग गई, तो आंखें लग गई मीन्स नींद आ गई। आंखें बिछाना, स्वागत की तैयारी करना, आंखें भर आना, आंसू आ जाना। दिए गए वाक्यों को सही कर्म दीजिए। कुत्तों ने खरगोश एक दिन का पीछा किया। यह वाक्य आगे पीछे बिना कर्म के, गलत कर्म के लिखे हुए हैं। इन्हें हमें सही क्रम में लिखना है। एक दिन कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया। गाय के पास
गया खरगोश, खरगोश दुखी होकर गाय के पास गया। कुत्तों से डरती मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं कुत्तों से डरती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।